सो गाइस बाइक इज रेडी टू रोल, स्टार्ट कर दिया कोल्ड स्टार्ट। अभी टेम्परेचर कुछ भी नहीं हुआ, जब कुछ टेम्परेचर 60 हो जाएगा ना यहाँ पे तब जाके इसको लेके चलेंगे। सो गाइस सेम प्लेस सेम लोकेशन संडे राइड RC 200 10R एक्सपल्स। आई होप कि भाई कैमरा एंगल बिल्कुल ओके आ रहा होगा, मेरे को अभी बिल्कुल आइडिया नहीं हो पा रहा कि कैमरा एंगल क्या कैसा है सेट। अभी थोड़ी देर हाईवे पे चल गए। सो हे व्हाट्सअप गाइस, राइड स्टार्ट हो चुकी है हमारी और अभी हम जा रहे हैं पंचगांव होटल की तरफ। वहाँ पे हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट और ये राइड होने वाली है 25-30 किलोमीटर की और हो सकता है हम उससे भी आगे चले जाए कि MP हाईवे के ऊपर। और पता नहीं एक्सपल्स वाले राइडर हमारे कपिल भाई कितनी आगे निकल चुके हैं, हमें खुद नहीं पता। और ये रे अभिषेक भाई हमारे। अभिषेक भाई कैसे हो, थकाओ थोड़ा? अभिषेक भाई धीरे धीरे चलते हुए और अब हम पकड़ते हैं एक्सपल्स वाले अपने राइडर को। कहाँ रहेगा वो? बाइक जा चुकी थी 100+, पहली बार बाइक का 100+ हो चुका है तो बाइक हो गई खुश, कह रही भगाओ मुझे, पर नहीं भगाऊंगा, बाइक का चल रहा है ब्रेकिंग पीरियड। इसमें अभी डला हुआ है नॉर्मल मिनरल ऑयल, जब फर्स्ट सर्विस के बाद इसमें डालेगा प्रॉपर जो बढ़िया वाला सिंथेटिक ऑयल होता है वो डलवाएंगे इसमें फर्स्ट सर्विस के बाद। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि जो फर्स्ट सर्विस से पहले बाइक में क्या होता है, जो बाइक के जो इंजन के पार्ट्स होते हैं ना, क्रैंक वगैरह जो भी मतलब अंदर पार्ट्स होते हैं मुझे नहीं पता, तो वो ना एक दूसरे से रगड़ खाते हैं शुरू में, तो ना वो उनके अंदर से थोड़ा थोड़ा निकलता है पार्ट का चूरा चूरा जो, तो ना ये ऑयल मिनरल ऑयल नीचे ना सेटल करके रखता है उसको, वो इंजन में उसको घूमने नहीं देता। फिर उसके बाद जब फर्स्ट सर्विस होने के बाद सारा कूड़ा निकल जाएगा। मज़ा आ रहा है भाई, फुल पावर यार, दिमाग खराब हो गया भैंस की, मजे आ गए। उधर देखो एक्सपल्स वाले भाई को पागल हो गया है और अभिषेक दिख नहीं रहा, पता नहीं कौन सी दुनिया में चलाता है वो बंदा बाइक। अब सीधा मिलते हैं हम आपको गाइस, यहाँ पे खड़ी है कुछ बुलेट, तो बंदों ने मुड़ मुड़ के देखा बार को, आ जाओ यार, पता नहीं क्या ही कर रहे यार ये लोग। यही दिक्कत है सुपर बाइक वर्सेस नॉर्मल बाइक में, ये बंदे यार पकड़ ही नहीं पाते और कितनी की स्पीड भगा रहा हूँ, उनसे भी स्लो चला रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या ही करते हैं बंदे। भाई यार पता नहीं क्या हो गया, लास्ट वीक से मैं बाइक चला रहा हूँ मतलब, और मेरे को ये नहीं पता कि क्रूज कंट्रोल कैसे सेट होएगा। ठीक है आप बताओ कैसे सेट होएगा क्रूज कंट्रोल, कंपनी वालों से पूछो कोई यार हाउ टू सेट क्रूज कंट्रोल, मुझे सच में नहीं पता लिटरली क्रूज कंट्रोल कैसे सेट होएगा, बताओ यार कैसे सेट होएगा, कमेंट कर दो कोई। अरे भाई क्रूज कंट्रोल क्यों नहीं लग रहा? अरे अंकल मरोगे क्या बिल्कुल ही कतई? इसके यहाँ बताओ कैसे कैसे लोग आ जाते हैं एकदम से बीच में, यार दिल नहीं मान रहा यार, बाइक भगाने का बहुत मन कर रहा है यार, मतलब इतनी भी नहीं भगानी, थोड़ी सी भगाने का मन कर रहा है बट नहीं भगा रहे यार, हाँ खराब। भाई कह रहे खींचो खींचो मुझे खींचो, मैं कह रहा हूँ नहीं खींचूंगा मैं पागल हूँ पागल। पता क्या हुआ अभी मैं 2 सेकंड के लिए रुक गया तो मैंने उनको आगे निकाल दिया, मैं कह रहा तुम आगे चलो तुम ऐसे स्लो चल रहे हो, तो उनको मैंने आगे निकाल दिया। और वरना मैं आगे चल रहा था मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस तो क्या मैं कह रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभिषेक की बाइक में ना ABS नहीं है, सो कॉन्फिडेंस नहीं आता बाइक चलाने में बिल्कुल भी, और अपनी बाइक में ABS फुल है और बाइक तो मतलब ऐसे कह रही मुझे खींचो खींचो भगाओ मुझे पागल कर दो मेरे कान मरोड़ दो, पर मैं इसको चला रहा हूँ बिल्कुल तमीज़ से। बाइक तो कह रही है पागल बना दो कुत्ता बना दो कुत्ता, मैं कह रहा हूँ कुत्ता नहीं बनाऊँगा, बिल्कुल स्लो चलाऊँगा बाइक को, स्पीड तो बढ़ेगी। एक बार 6000 RPM पे लेके चल के देखें, उन्होंने कहा था ये बार आप ओवरटेक कर सकते हो, तो 6000 तक एक गाड़ी चलते हैं तो कितनी जाएगी 6000 RPM तक,
तो ये तो मशीन बस इतनी भगानी थी। मतलब उस हिसाब से भगाया कि मैं एक बार ओवरटेक करने के लिए मतलब ये सोचो कि मैं ओवरटेक कर रहा था, इस हिसाब से भगाया। हम पहुंच चुके हैं पंचगांव होटल। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बाइकें आई हुई हैं आज। तो गाइस यहाँ पे आई है बहुत तगड़ी तगड़ी बाइकें, और सारे ऐसे देख रहे तुम्हारे बाइकों की कौन सी बाइक ले आया है। बहुत तगड़ी बाइकें खड़ी है यहाँ पे, मैं इसकी आप देखो गाइस, दिखाता हूँ तुम्हें सारी बाइकें पास से, बिल्कुल एक क्लोजर लुक देख सकते हो। आज बाइक लगाएंगे हम यहाँ पे बाइकों के बिल्कुल बगल में। देखो गाइस क्या तगड़ी तगड़ी बाइक आई है। अभी दिखाता हूँ तुम्हारे को क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस अपना बीच तो ये खड़ा, ठीक है देख सकते हो आप, एज यू कैन सी, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के सारी बाइकें कौन कौन सी खड़ी है यहाँ पे। रॉयल एनफील्ड भी खड़ी है, डुकाटी की मॉन्स्टर, ये देखो हायाबुसा, सारी तगड़ी तगड़ी बाइकें, ये होता है सीन बढ़िया। वो भाई बी एमडब्ल्यू 1250 जो कितनी बड़ी है वो भाई, ये तो बहुत चौड़ी बाइक है। ओ भाई ये देखो कितनी तक चौड़ी है इसकी, ये चीज इसकी ये चीज बहुत चौड़ी है। तो इसका बॉक्सर इंजन है ना हायाबुसा, हमारी बाइक है तगड़ी, खराब हो गया। अरे उसकी 14R भी खड़ी है, जब अगर साइड से देख रहा हूँ ना तो इतनी चौड़ी नहीं लग रही भाई, पर अगर यहाँ से देखोगे तो भाई ये तो बहुत चौड़ी है। वेयर वर यू गाइस, कहाँ पे थे तुम? शेखू का पालक लावा देखो मैंने की बाइक बदल ले, एक सेकंड लगेगा। हाँ ₹6,000 खींच दिया, 150 जा रही है, मैंने कहा जैसे उसने कहा था आप ओवरटेक कर सकते हो, तो उस हिसाब से मैंने ना बाइक भगा दी एक बार, मैं कहा भगा दो मैं इसके, मतलब उस हिसाब से कि ओवरटेक कर रहा हूँ, तो 6,000 तक ले गया। और भाई साहब 6,000 पे 150, मैं कहा 150 तक चल जाए बस बहुत है। अभी 1250 देख उसको फिर होती है लग रही है यार, भूसा बढ़िया नहीं लग रही है अब है ना। देखिए देखिए ये देख NS 200 देखियो इसकी, ट्रैम की इतनी महंगी बाइक है ये। अब ये देखिए क्या चीज़ है भैंस क्या, ये मॉन्स्टर वही देखिए। हाँ अरे कितनी चौड़ी है देख, ये यहाँ से भैंस मैं बता रहा हूँ मेरा ये हाथ है और अब तू लगा ले कितनी बहुत चौड़ी है। ऐसे बता ऐसे 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 यहाँ से ऐसे भैंस क्या, देख के थोड़ी चौड़ी भाई क्या भाई साहब, अरे सच में बहुत चौड़ी लग रही ना, बहुत चौड़ी है ये। तो चलते अंदर सारी बाइकें दिखा दी हैं भैंस क्या वजह ही आ गया यार। गाइस अब देखो ये बाइक इतनी चौड़ी है यार, पास में बिल्कुल खड़े हो गए अब लग, अब इतनी चौड़ी है ये चीज़ ना, बहुत ज़्यादा वीडियो में नहीं पता चलता कि यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत चौड़ी है। गाइस यहाँ पे खड़ी 14R भैंस की, यहाँ इसका टायर देखो, चलते हैं अंदर बहुत देर हो गई कुछ खाते हैं।
तो गाइस पहुंच चुके हैं अंदर, पहुंच चुका हूं के कुछ ऐसा एम्बियंस तगड़ा लग रहा है। हेलो गाइस कैसे हो, कैसे हो गाइस, कैसे हो। ये वाली बाइक अच्छी है। कितनी चौड़ी बाइक है शेगु, देख कितनी चौड़ी शेगु, देखियो कितनी चौड़ी बाइक है ये वाली ब्लैक कलर की भाई, देख चार टायर लगा रखे हैं ये वाली चार टायर अब से चौड़ी बाइक है ये बाइक, पता है महंगी होगी वाली, ये रेड वाली ट्रायम्फ की, देख कितनी नकली लग रही है जिसकी बाइक है उसको पता भाई, दुख हो रहा होगा बेचारे को क्या ले लिया मैंने, ये भी तगड़ी लग रही है ना भाई साहब, क्या लग रही है ये भाई, रेड से ज्यादा बढ़िया लग रहा है कलर, रेड से बढ़िया लग रहा है ज्यादा, दूसरे प्लेनेट पे जो थी अकरा बॉबी की तो लिखा हुआ है ये देख, पता है ये वाली बाइक जो है ना कलर प्यारा लग रहा है इसका, ये क्रूजर प्लेनेट बाइक।